दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इन्हें भी दुनिया के 7 आश्चर्य में जगह मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसी ही 13 जगहें। वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि ये जगहें इतनी खास क्यों हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। बनाओ के चावल की सीढ़ियां। दोस्तों, फिलीपींस में स्थित ये बनाओ राइस टेरेस करीब 2000 साल पहले इफुगाओ लोगों द्वारा बनाए गए थे। चावल की खेती करने वाले लोगों को इफुगाओ कहा जाता है। ये बनाओ राइस टेरेस समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर 10,360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। साल 1995 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। खेती के कुछ मामूली हथियार होने के बावजूद इफुगाओ लोगों ने इंजीनियरिंग की यह अद्भुत मिसाल 2000 साल पहले ही बना दी थी, वो भी तब जब इंजीनियरिंग सिखाने वाला कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होते थे। नंबर 2, श्रीग्या श्रीलंका। श्रीग्या श्रीलंका की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारत है। वहां के लोगों द्वारा 8वां अजूबा कहे जाने वाले इस पुराने महल और किले को देखने के लिए हजारों सैलानी श्रीलंका आते हैं, जो पुरातात्विक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह श्रीलंका के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप द्वारा पठार पर एक महल और किले का निर्माण कराया गया। असल में इसे एक शेर का आकार बनाया गया था। आज के समय में जिसका सिर्फ एक ही पैर बचा है और बाकी का आकार खराब हो चुका है। शेर के आकार का होने के कारण इसका नाम श्रीग्या पड़ा। श्रीग्या के किले और महल सही मायने में दुनिया के सबसे पुरानी शहरी विकास का बेहतरीन नमूना है। इसके अनूठेपन को देखते हुए साल 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में यमुना नदी के पूर्वी तट पर ताजमहल से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इत्माद-उद-दौला का शाब्दिक अर्थ है संस्कार के स्तंभ। इसे कभी कभी स्थानीय लोगों द्वारा छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। यह मुगलों द्वारा पूरी तरह सफेद पत्थर से बनाया गया पहला मकबरा है, जिसमें पिएट्रा ड्यूरा कला का इस्तेमाल किया गया है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए साल 1622 से 1628 के दौरान करवाया गया था। मिर्जा गियास बेग को जहांगीर द्वारा इत्माद-उद-दौला की पदवी दी गई थी। इस मकबरे में इत्माद-उद-दौला और उनकी पत्नी की पत्थर की कब्रें भी रखी हुई हैं। नंबर 4, अंकोरवाट मंदिर। दोस्तों, क्या आपने कभी दो धर्मों को अपने पूजा स्थल को साझा करते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन ऐसा एक बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर पहले एक हिंदू धर्म का मंदिर था और बाद में आगे चलकर यह बौद्ध धर्म का एक केंद्र बन गया। इसका निर्माण खमेर राजा सूर्य वर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में अपनी राजधानी यशोधरापुर में करवाया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वैसे आपको बता दें कि अंकोरवाट का शाब्दिक अर्थ है मंदिरों का शहर। हिंदू तथा बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए अंकोरवाट मंदिर बहुत खास महत्व रखता है और इसी वजह से साल 1992 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। नंबर 5, जिगुरात ऑफ उर। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में उर शहर सबसे महत्वपूर्ण सुमेर शहरों में से एक था। इस शहर का सबसे ज्यादा संरक्षित और भव्य हिस्सा जिगुरात ऑफ उर है। ग्रेट जिगुरात, जो कि आज इराक के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, ये बड़े सीढ़ीनुमा पिरामिड है जिनकी ऊंचाई 30 मीटर, लंबाई 64 मीटर और चौड़ाई 46 मीटर है। दोस्तों, ग्रेट जिगुरात ऑफ उर का निर्माण तीसरी पीढ़ी के उर शासक उर नामू द्वारा करीब 2100 साल ईसा पूर्व में कराया गया था, जिसे उसके बेटे शासक शुलगी ने पूरा कराया। यह जिगुरात ऑफ उर वहां के नगर देवता नन्ना यानी चंद्रमा को समर्पित था। पुराने मेसोपोटामिया के लोगों का मानना था कि इंसानों की तरह उनके देवता की भी कुछ जरूरतें होती हैं। इसलिए नन्ना के लिए वहां एक बेड चैम्बर बनाया गया था। वहीं पर एक किचन भी बना हुआ था जहां पर देवता के लिए खाना बनाया जाता था। उन लोगों का मानना था कि उनके नगर देवता अपने जिगुरात में ठहरने के लिए आते हैं और इसीलिए उनकी सहूलियत के लिए नगर के लोगों द्वारा उनकी सेवा में सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी। लेशन जायंट बुद्धा। करीब 8वीं शताब्दी में लेशन के जायंट बुद्धा को शिजुओ पहाड़ पर पत्थर को उकेर कर बनाया गया था। इस मूर्ति के ठीक सामने मिंजियांग, दादू और किंगी नाम की तीन नदियों का संगम होता है। लेशन की जायंट बुद्धा की मूर्ति दुनिया में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो करीब 71 मीटर ऊंची है। यह मूर्ति अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध से करीब 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। इस बड़े बुद्ध को बनाने का आइडिया हेतोंग नाम के एक चीनी मॉन्क के मन में आया था। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से तीनों उफनती नदियों की लहरें थोड़ा शांत हो जाएंगी और नदियों से आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हेतोंग ने धीरे धीरे कई जगहों से चंदा एकत्र करना शुरू किया। तब तांग वंश के दौरान साल 713 ईस्वी में जायंट बुद्धा का निर्माण शुरू हुआ। जब तक बुद्ध की मूर्ति कंधे तक बनी,
तब तक हैतोंग गुजर गए और पैसों की कमी के कारण मूर्ति का काम बीच में ही रुक गया। कई साल बाद चुआन जुदेशी ने मूर्ति को पूरा करने के लिए धन लगाया, जिसे हैतोंग के शिष्यों ने पूरा किया। साल 803 ईस्वी में बुद्ध की मूर्ति का कार्य पूरा हुआ, जिसे बनाने में कारीगरों की 3 पीढ़ियों का कठोर परिश्रम और कुल 90 साल का समय लगा। आज के समय में मूर्ति कला के इस बेजोड़ नमूने का इतिहास करीब 1300 वर्ष पुराना है। अजंता की गुफाएं। यूनेस्को ने भारत की अजंता की गुफाओं को विश्व की सबसे पुरानी धरोहरों में से एक माना है। अजंता की पेंटिंग और मूर्तियां विशुद्ध भारतीय कला की शुरुआत के समय की ही मानी जाती हैं। वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के समय यह गुफाएं बुद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल होती थी और यहाँ की दीवारों पर यह चित्रकारी उन भिक्षुओं द्वारा ही की गई होगी। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की जातक कथाओं, उनके दर्शन, धार्मिक कक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को दीवार पर बेहद बारीकी से उकेरा गया है। भले ही ये गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन इसमें बुद्ध की मूर्ति इसके 600 साल बाद स्थापित की गई है। नंबर 8, एंशियंट सिटी ऑफ बेगान। बागन शहर, जिसे पूर्व में पागन कहा जाता था, यह 9वीं और 13वीं शताब्दी का म्यांमार की राजधानी थी। यह म्यांमार के मांडले में स्थित है, जहाँ पर 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में करीब 10,000 बुद्ध मूर्ति, पगोड़ा और स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से आज के समय में सिर्फ 2000 ही बचे हैं। बगान शहर की जलवायु बाकी स्थानों से ज्यादा स्थिर है और यहाँ पर बाकी शहरों से अधिक सूर्य की रोशनी पहुँचती है। बगान एक बहुत ही पारंपरिक शहर है। आज के समय का कोई भी सामान आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। नंबर 9, मिटियोरा। ग्रीस में स्थित मिटियारो कई सारे बलुआ पत्थर से बनी खम्भे के आकार की बनी चट्टानों का समूह है, जिन्हें पूरी आधुनिक इतिहास में पूजा का केंद्र माना गया है। इसमें कुल 24 बुद्ध मठ हैं, जिसमें से सिर्फ 6 ही सक्रिय हैं। मिटियोरा एक ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब है आसमान के बीच में। करीब 313 मीटर ऊंचे मिटियोरा को वर्ष 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। कालकमूल। कालकमूल माया सभ्यता का एक शब्द है, जिसका अर्थ है एक दूसरे से सटे हुए 2 पिरामिड वाला शहर। ये शहर माया सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था और इसकी वास्तुकला देखने वाले लोग हैरान रह जाते थे। यह जंगलों के बीच में बसाया गया था और अब यह वहीं नष्ट हो रहा है। इसे वर्षावन के नीचे होने के कारण बचाया नहीं जा सका। नंबर 11, न्यूग्रेन्स। न्यूग्रेन्स आयरलैंड में बना एक मकबरा है। पहली बार में किसी आम से दिखने वाले इस मकबरे की खासियत है इसे बनाने का समय। यह इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। इसका निर्माण 3200 बीसी में किया गया था। इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह मकबरा गोल आकृति का है। इसकी परफेक्शन देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता है कि इसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के बनाया गया है। हालांकि अफवाहों के अनुसार इसे एलियन से भी जोड़ा जाता है। नंबर 12, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसकी वास्तुकला के कारण इसे दुनिया के अजूबे में शामिल किया जा सकता था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनाने के लिए केवल एक चट्टान को तोड़ा गया और तराश कर बनाया गया है। यानी कि यह खूबसूरत मंदिर केवल एक चट्टान में बना है। इसे ऊपर से बनाने में लगने वाली मेहनत का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। नंबर 13, बोरोबुदुर। यह मंदिर इंडोनेशिया में बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों में से एक, यह मंदिर काफी ज्यादा विशाल है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ भगवान बुद्ध के स्तूप हैं। इसे विश्व के 7 अजूबों में इसकी वास्तुकला और क्षेत्रफल के कारण किया जाना चाहिए था। यह सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है कि उस समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं हुआ करती थी, तब कोई ऐसा मंदिर कैसे बना सकता था। तो दोस्तों, ये थे हमारे दुनिया के 13 आश्चर्य। आपको क्या लगता है, क्या इन्हें भी आश्चर्य की सूची में डालना चाहिए? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।